जी देखिए, सूर्य जो है 12 राशियों में अपनी संक्रांति के समय 12 राशियों में क्रम अनुसार जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य जो है 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। और एक दिन पूर्व जो मंगल हैं ग्रहों के, जिनको सेनापति कहा जाता है, वो भी अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। तुला से वृश्चिक में जा रहे हैं, बुध वहाँ पहले से ही बैठे हैं। चूँकि ग्रहों के राजा जो है सूर्य हैं और मंगल सेनापति हैं, बुध राजकुमार हैं, तो ये तीनों का एक योग बनने जा रहा है जो कि कुछ राशियों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। क्योंकि सूर्य जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं राशियों को प्रभावित करते हैं। तो आने वाला ये गोचर जो है मेष राशि है, कर्क राशि है, तुला है, सिंह है, कुंभ, मकर, मीन, इनके लिए फायदेमंद रहने वाला है गोचर ये। जी बिल्कुल, कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि ग्रहों के राजा जो है सूर्य, मंगल सेनापति, बुध राजकुमार एक साथ आ रहे हैं। तो आने वाले समय में देखा जाएगा कि सत्ता में भी विशेष रूप से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जी देखिए, चूंकि इस समय योगी जी और मोदी जी का शासन है तो काफी प्रभावपूर्ण होगा। कैसा, पक्ष में होगा कि विपक्ष में? पक्ष में, बिल्कुल पक्ष में रहने वाला है, मोदी जी के पक्ष में जाने वाला है यह आने वाला समय।